कोई भी नौजवान इस देश का जिसके पास सारी डिग्रियां हैं, वो इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, पीएचडी किया है, तमाम टेक्निकल एजुकेशन लेने के बावजूद जब वो अपना सीवी लेकर के जाता है और नौकरी नहीं मिलती है, तब उम्मीदें टूटती हैं उस नौजवान की, उस नौजवान के गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की, उसके माँ बाप की, उसके दोस्तों की। और ये जो उम्मीदें टूट रही हैं ना बेरोजगारी के चलते, उस उम्मीद को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। जब आपको ये खबर आती है या आप कोई वीडियो देखते हैं कि किसी इंसान को उसके पहचान के चलते, चाहे तिलक देखकर या टोपी देखकर, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसकी टांगें तोड़ दी गई है, तब आपका दिल टूटता है। उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने इस देश को और कांग्रेस पार्टी ने ज्योग्राफिकली भारत को जोड़ दिया है, और जब भी उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं। कल हम लोग इंदिरा जी को याद करेंगे, चाहे जान गंवानी पड़ जाए, जमीन जो देश से जुड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी को रहते हुए उसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो ज्योग्राफिकली हमारा देश इकट्ठा है, वो इमोशनली भी इकट्ठा रहे। पहले सर आपको थैंक यू, और जो यहाँ सब लोग हैं, सारे जो हमारे प्रेस के साथी हैं, उनको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई हैव लर्न वन तेलुगु वर्ड लाइक अंदर के नमस्कार। सो अंदर की नहीं, अंदर अंदर की नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और हिंदी में बोलूँगा, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आपकी भाषा तेलुगु है लेकिन मुझे तेलुगु आती नहीं है, आती तो ज़रूर तेलुगु में बात करता, क्योंकि हमारी नज़र में, भारत जोड़ो यात्रा की नज़र में, सारा भाषा, सारी भाषाएं एक समान है, सब भाषा, सारे लोगों की मातृभाषा जो है उसको हम बराबर का रेस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, आप सब लोग लगातार जो है कवर कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। हमारे पास फेविकॉल नहीं है और जो है हम फेविक्विक भी लेकर के नहीं चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेजिंग है उसमें सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको, आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो टूटी है। ये सवाल जब आप खुद से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में हम क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान इस देश का जिसके पास सारी डिग्रियां हैं, वो इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, पीएचडी किया है, तमाम टेक्निकल एजुकेशन लेने के बावजूद जब वो अपना सीवी लेकर के जाता है और नौकरी नहीं मिलती है, तब उम्मीदें टूटती हैं उस नौजवान की, उस नौजवान के गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की, उसके माँ बाप की, उसके दोस्तों की। और ये जो उम्मीदें टूट रही हैं ना बेरोजगारी के चलते, उस उम्मीद को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। जब आपको ये खबर आती है या आप कोई वीडियो देखते हैं कि किसी इंसान को उसके पहचान के चलते, चाहे तिलक देखकर या टोपी देखकर, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसकी टांगें तोड़ दी गई है, तब आपका दिल टूटता है। उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने इस देश को और कांग्रेस पार्टी ने ज्योग्राफिकली भारत को जोड़ दिया है, और जब भी उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं। कल हम लोग इंदिरा जी को याद करेंगे, चाहे जान गंवानी पड़ जाए, जमीन जो देश से जुड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी को रहते हुए उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन जो ज्योग्राफिकली हमारा देश इकट्ठा है, वो इमोशनली भी इकट्ठा रहे। इमोशनली इकट्ठा होने का मतलब है कि हमारे पहचान के आधार पे, हमारे विचार के आधार पे,
हमारे जिंदगी जीने के तौर तरीके के आधार पर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, हमारी भाषा बोली के आधार पर कोई हमको बांट ना सके। और हम ये देखते हैं कि भारत में आज की तारीख में गरीब लगातार गरीब हो रहा है और गरीबों की संपत्ति लूट करके दो चार लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है। तो यह जो अमीरी गरीबी की खाई है, उस खाई को हम पाटना चाहते हैं। जिस तरीके से आज स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लाखों पोस्ट जो है वो सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े हुए हैं, वैकेंसीज हैं, उस उम्मीद को हम जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक कल्चर ऐसा बनता जा रहा है कि अपने विरोधियों को चुप कराया जाता है। और यह सवाल बार बार लोग पूछते थे, विपक्ष कहाँ है? जो लोग देखना चाहते हैं, आंख में सूरमा लगा करके देख लें, विपक्ष सड़कों पे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ रही थी, लेकिन हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा था लोगों तक। तो पार्टी ने यह तय किया कि हम लोगों तक पहुंचेंगे सीधे, बिना किसी सोशल मीडिया या मीडिया के। वो रहे, उनका समर्थन जितना मिलना है वो मिले, लेकिन हम सीधे लोगों तक पहुंचेंगे, जैसे महात्मा गांधी सीधे लोगों तक पहुंचते थे। आज राहुल जी सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सवाल आज कोई भी ईमानदारी से समझ सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सड़कों पे निभा रही है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कई बार यह कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ तेलंगाना में भी ये कन्फ्यूजन है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। अव्वल तो बीजेपी से लड़ने का क्या मतलब है? अगर बीजेपी से लड़ने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है, तो फिर वो कोई लड़ाई नहीं है। उसको कहते हैं हमारे यहाँ कि सूडो बॉक्सिंग हो रहा है। दिन में बॉक्सिंग करेंगे, मीडिया स्टूडियो में बैठ करके बॉक्सिंग करेंगे, और शाम में पैग लड़ाएंगे, तुम तुम्हारा, हम हमारा, इधर का बैग उधर, उधर का बैग इधर। ये कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारात्मक लड़ाई होती है। और इस देश में ये विचारधारात्मक लड़ाई है गोडसे और गांधी के बीच में, और इस देश ने हमेशा गांधी को चुना है, आज भी गांधी को चुनना पड़ेगा। और यह बात मैं आपसे ईमानदारी से साझा करना चाहता हूँ। जो राहुल जी के बारे में परसेप्शन बनाया गया लाखों करोड़ों खर्च करके, और उस परसेप्शन के चलते जो हमारे दोस्त थे, जो उनके धूर विरोधी हुआ करते थे, वो फोन करके कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये परसेप्शन इतनी जल्दी बदलनी शुरू हो गई है, इसीलिए सत्ता में बैठे हुए लोगों की खलबलाहट है। और वो भारत जोड़ो यात्रा किस लिए हो रहा है, इस पे नहीं बात कर रहे हैं, जूता पे बात कर रहे हैं, टी शर्ट पे बात कर रहे हैं, कंटेनर पे बात कर रहे हैं। तो उनको जूता, टी शर्ट, कंटेनर पे बात करने दीजिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आज हमारी भारत यात्रा पांचवें राज्य में पहुंची है, 1300 से ज्यादा किलोमीटर जब हम चल चुके हैं, हजारों लाखों करोड़ों आंखों और चेहरों को जब हम पढ़ रहे हैं, तो एक बात हम आपको कह सकते हैं विश्वास के साथ। उदयपुर राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिसको हम कहते हैं उदयपुर डिक्लेरेशन, ये निर्णय लिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तब वो निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का निर्णय था। जब यात्रा की तैयारी होने लगी, तब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की यात्रा थी। आज जब हम पांचवें राज्य में आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से बात कहते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ करके आज के डेट में ये यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है, देश के लोगों की यात्रा बन चुकी है, उनके उम्मीदों की यात्रा बन चुकी है। और इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तमाम उद्देश्य इसमें एक साथ निहित है। यह देश जिस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से भी हमारा देश इकट्ठा रहे, इस यात्रा का उद्देश्य है। आप सब लोग आए, हमको सुने, हमारे जो है नेताओं को आप सुन रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से प्रेस के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कन्हैया जी। अगर आपके कुछ सवाल हैं, एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑफ कन्हैया जी, यू कैन आस्क हिम। आई जस्ट वांट टू ऐड, अभी इन्होंने कहा राहुल जी को अभी निशाना नहीं बना सकते हैं, इसीलिए टी शर्ट के बारे में, जूते के बारे में, कंटेनर के बारे में। मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ महिलाओं के साथ हाथ पकड़ने के बारे में, ऐसे मुद्दे पर बातचीत हो रही है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि भारत जोड़ो यात्रा की हुई है।
कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता में एक नई जोश आई है, एक नई उमंग दिखाई दे रही है, एक नई एकता है, एक नया अनुशासन है। और उसके अलावा जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी की छवि को बिगाड़ने में करोड़ों रुपये सोशल मीडिया और मीडिया में जो खर्च किए गए थे वो अब गंगा में बह गए, क्योंकि आज मैं नहीं कहता हूं कि एक अलग से राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं असली राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। जब मैं 12 साल का था, मैं पहला हिंदी फिल्म मैंने देखा वो देवानंद और साधना का था। आप लोग मेरे से कम उम्र के हैं, आपको याददाश्त नहीं होगी, मैं 12 साल का था तब मैं देखा एक फिल्म देवानंद और साधना, हिट फिल्म था, उसका नाम था असली नकली। अभी ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर आप एक फिल्म बनाओगे उसका टाइटल रहेगा नकली असली। जो नकली था, जो नकली बनाया गया था, वो आज असली राहुल गांधी जी जनता के सामने, देश के सामने दिखाई दे रहे हैं, और वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अगर आपके कोई सवाल है, कोई एनी क्वेश्चंस यू हैव ऑफ कन्हैया, नॉट ऑफ मी एंड नॉट ऑन मुनुगोड, आई वांट टू से वन थिंग, भारत जोड़ो यात्रा हैज नथिंग टू डू विद मुनुगोड। They have taken the press meet today because they are all sitting here. That is why. So, do not in your report say Congress leaders who walked in the morning taking part in Bharat Jodo Yatra spoke on Munugod. They spoke on Munugod because they are here. They are all here. And they are, you are all here. It has nothing to do with Munugod. Nothing to do with Himachal Pradesh election. Get him some water here quickly. Water. Heat. Pilana mat kuch sir. Us pe muh pe chhite maar. अरे यार, नो कैमरास प्लीज, नो कैमरास प्लीज, हैव सम सेंसिटिविटी, दिस इज अ ह्यूमन सिचुएशन, नॉट अ फोटो अपॉर्चुनिटी, प्लीज हैव सम ग्रेस, नो कैमरास प्लीज, नो सेल्फीज। Is he okay? Yeah, he woke up. Okay. Is he our colleague? He's our colleague. So make sure he's okay. Yeah. He's okay. So what I am saying is, we have nothing to do with by-elections. We have nothing to do with state assembly election. This Bharat Jodo Yatra is for a larger political, economic and social cause. Elections will come, elections will happen. We will win election, we will lose election. That will happen. This is all part of the electoral cycle. But Bharat Jodo Yatra is being done to strengthen the bonds of unity in India. Tomorrow, we will be celebrating. Tomorrow morning, Bharat Yatris will be celebrating the birth anniversary of Sardar Patel. And we will also be marking the death anniversary of Indira Gandhi. It is very rare in human history that the birth anniversary of somebody great is also the death anniversary of somebody great. Very rare. October 2nd is birth anniversary of Mahatma Gandhi and birth anniversary of Lal Bahadur Shastri. So we are happy throughout October 2nd.
But in October 31st, we are happy and we are sad. Both. There is achievement, there is also human tragedy. But tomorrow morning, all Bharat Yatris will be offering floral tributes to Sardar Patel, who created modern Indian geography. And Indira Gandhi, who created modern South Asian geography. Remember, Sardar Patel created modern India that we know. Indira Gandhi created modern South Asia as we know. So we will try to see whether you can come and join us when we... I don't know whether you can get up at 5:30 in the morning. No, they're 5 o'clock? Okay, so we'll invite them for the function tomorrow morning. We're having a small function in the morning before we start for the yatra. Maybe at 5:30 in the morning, 5:35, I'll let you know. But in a campsite, you know, we're not... There are no statues, but we will have some program. We'll have some floral program. I have talked to Mr. Gandhi. We'll organize it. I'll organize it for you. Give me a day or two. I'll organize it for you. But walking, huh? And you should be prepared to run also. Walking, running, talking, except reporting. Thank you. Thank you very much. అంతకుముందు మీ అందరికి చెప్పినట్లా రేపు రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రెస్ మీట్ ఉంటుంది. ఇట్లాగే నెక్స్ట్ డే లంచ్ బ్రేక్లో ఉండే అక్కడ 1 o'clock ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ షాద్ నగర్ నుంచి శంషాబాద్ మధ్యలో దాని యొక్క లొకేషన్స్ కూడా మీకు ఇచ్చేస్తాము. నేషనల్ ప్రెస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెస్ అండ్ స్టేట్ ప్రెస్.